बिल्कुल। और जनक देखिए, यहाँ पर हम इस दान गढ़वी के घर में मौजूद है और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके घर में कुल देवता का मंदिर है और वो अब फील्ड पर निकलने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका तमाम परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी माता जी मौजूद है, उनकी बहनें मौजूद है और साथ में उनकी धर्मपत्नी हिरल बेन भी मौजूद है। और देखिए किस तरीके से अब उनका पूरा परिवार उनको घर से निकलने के पहले आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जाम खंबालिया सीट से उनको चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी द्वारा उतारा गया है और मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां की गई है, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। यशोदान जी सर, बिल्कुल देखिए, गुजरात आज बहुत उम्मीद के साथ वोटिंग कर रहा है, जिस दिन का गुजरात इंतजार कर रहा था। सर हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार हम प्रशांत का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास दिखाई पड़ रही हैं? आप भी सौराष्ट्र में ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोरबी में इस वक्त मौजूद हूं और मोरबी का नाम देश भर ने सुना। कुछ दिन पहले, ठीक एक महीना पहले, 30 अक्टूबर को एक हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन उत्साह अब विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, 8 बजे से मतदान है लेकिन लाइन 7 बजे से लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह मतदान के लिए आप पहुंचे इतनी देर पहले लाइन में लगाकर, ये उत्साह आखिर किस बात को लेकर है? पहले तो मैं सुबह 5 बजे उठ गया, जल्दी सूरज की रोशनी के लिए सब पहला बंदा मेरे को वोट पहला डालने के, इसलिए ख्वाहिश से इधर आया हूँ पहले। जी, सबसे पहला वोट आप डालना चाहते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं आपके वोट से क्या होने वाला है, क्या सोचकर आप पहुंचे मतदान केंद्र? वोट से तो बहुत कुछ होता है, जैसे विकास होता है। अच्छा, और ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं, बुजुर्ग महिलाओं को भी हम देख सकते हैं, 80-90 साल की महिलाएं भी सुबह से कतार में लग चुकी हैं और तमाम लोग, युवा बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर मतदान के लिए जो आप पहुंचे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो गुजरात में इस वक्त मुद्दा है जिस पर मतदान हो रहा होगा? मुद्दा तो एक ही है, मतदान करना बहुत जरूरी है। जी, हम जो यंग ब्लड है उसको जो मतदान करेंगे, कोई भी है, भाजपा है या कांग्रेस है कि कोई भी पार्टी आए। जी, आप क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? ये पहले तो आप हर टाइम में यही बूथ पे, मैं लास्ट 10 ईयर से यही मतदान कर रहा हूँ। हर टाइम मेरा पहला या सेकंड वोट होता है। आज मैं 7:30 बजे आया तो मेरे आगे 10 आदमी। ये उत्साह है कि अगर 7:30 बजे भी आ रहे हैं तो लाइन उन्हें आगे से लंबी लगाई दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात के और इलाकों में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, वहाँ भी चलते हैं, किस तरह का ताजा हाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर वो देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 19 जिलों में वोटिंग हो रही है और वलसाड की बात करूं तो लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कतार मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लोग यहां पर काफी देर पहले से ही लाइन में खड़े हैं और बस चंद मिनट रह गए हैं जब वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं कि आखिर इतनी सुबह सुबह सर वोटिंग के लिए आए हैं, नाश्ता किया है या ऐसे ही? पहले मैडम नहा धो के पूजा करके हम सीधे वोट देने आए हैं और सबसे ज्यादा तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि सबसे पहले हम लोगों को चांस दिया आपने ये अपनी बात कहने के लिए। मतलब वोटिंग सबसे जरूरी है, सबसे बाकी सारा काम बाद में। एकदम मस्त, गुजरातों पर्व है और इसमें भाग लेना सबसे पहला काम है। जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? विकास, विकास के मुद्दे, गुजरात का विकास, देश का विकास। मैम, आप घर का काम निपटा कर आई है या जाकर करने वाली हैं? जाके करने वाली, जाके करने वाली है। सबसे पहले वोट करना है? हाँ हाँ, सबसे पहले वोट करना। आप क्या सोचकर वोट देने जा रही हैं अभी? वही विकास, अपना गुजरात आगे जाए, गुजरात आगे जाए। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर, आप भी काफी देर से लाइन में खड़े हैं, किस क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार वोट देने? ऑफ द कंट्री इज द मेन थिंग एंड जिस हिसाब से विकास बढ़ते जा रहा है और इंडिया जिस हिसाब से आगे चल रहा है उस हिसाब से हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि इंडिया को और भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, तो देखिए देश का विकास हो, गुजरात का विकास हो, यही मुद्दे हैं यहाँ के लोगों की और कतार जो है वो लंबी होती जा रही है। ये काफी हॉट सीट है वलसाड की पार्टी की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर कनु भाई देसाई और इसके साथ ही आपको बता दें जयश्री बेन पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर वलसाड जिले की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां की गई। बीजेपी लगातार यहाँ पर अपना परचम
लहराती रही है और एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से कुछ जगहों पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय जरूर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए मतदान केंद्र की तस्वीर आप देखिए, लंबी कतार लोगों की नजर आ रही है। लोग अपना सभी काम छोड़कर सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे हैं। कर्तव्य है उनका सबसे पहले वोट देना। और देखिए अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, खुशी नजर आ रही है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। मैम घर के काम जाकर करने वाली है क्या? सबसे पहले आप वोट करेंगे, पहले वोटिंग देंगे हम लोग। कितना जरूरी आप समझती हैं जो वोटिंग का अधिकार होता है? ये सबसे ज्यादा जरूरी है।